एक ही नूर से हुक्म हजूर से सारी सृष्टि साजी भाई पंडित काजी एक ही जात है एक ही जात है एक ही जात है एक ही जात है। कर्म धर्म चाहे कितने कर ले छूट न सकती पाए तरले रू ना पहुंच सके निज धाम। धर्म के कर्म करता है पर धर्म पे चलता नहीं। कर्म कांड करना, दिखावे करना, कोई किस तरह मालिक को पाना चाहता है, कोई किस तरह, कोई हलवा खिलाता है, कोई चावल खिलाता है, कोई लड्डू पेड़े खिलाता है, कोई नमकीन खिलाता है, तो कई शराब पिलाते हैं और कई मांस चढ़ाते हैं। ये सब जीवा का स्वाद है। मालिक को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मालिक को अगर पाना है, प्रभु को अगर पाना है, तो आपको अंत्यकरण को पवित्र करना होगा, अंत्यकरण को साफ करना होगा, ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बन सकें। ये बाहरी ढोंग, बाहरी दिखावों से मालिक नहीं मिलता। अरे जो हमें शरीर दे सकता है, क्या हमारे बनाए भोजन को नहीं बना सकता? और अगर बना सकता है तो हमारे हलवे पूड़ियों का वो भूखा कैसे हो सकता है? उसे चाहिए तो हमारी भावना, उसे चाहिए तो हमारे अंत्यकरण की तड़फ, ताकि आप उस तड़फ से जब उसे बुलाएं तो वो दौड़ा चलाए और आप दया में रहमत करके आपको दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना दे। सो अंत्यकरण की सफाई करो। अगर मालिक को पाना चाहते हो, प्रभु को देखना चाहते हो, तो आप बाहरी चीज़ों में ना जाओ। अपने अंदर में गुण जो हैं उनको अपने अंदर रखो और अवगुणों को निकालते चलो, तो मालिक की दया में रहमत होगी। लेकिन आज पाखंड हैं। किसी का बच्चे का घर में कुछ दुखता है, माता बहनें कहते बाबा तुझे इतना प्रसाद खिलाएंगे ठीक कर दे। वो नेचुरली 2-4 दिन में ठीक होना ही है। बीमारी कोई ऐसी छोटी होती है। और प्रसाद बाबे को क्या खिलाया, खुद रगड़ गए सारा। ले बाबा सुख रखी, बाबा खाक सुख रखेगा। खाया तूने, बनाया तूने, बाबे के पास तो कुछ गया ही नहीं। तो इस घोर कलयुग में बड़े पाखंड चले हुए हैं, बड़े पाखंड। मन्नत मांग लेनी, ऐसा हो जाए, और हिम्मत की वैसा हो गया। मालिक को देना, पैसा चढ़ाना, ये तो वो सारा कोई और ही खा जाता है। तो हकीकत ये है कि मालिक को पाने के लिए बाहरी साधनों से नहीं, अंत्यकरण से, तड़फ से उसको बुलाना होगा। जैसे आपके अपने औलाद के लिए तड़फ होती है, बेटा या बेटी कोई भी आपको प्यारा है, आपसे दूर है, लेकिन आप उसके लिए तड़फ जाते हैं। जब ये सुनते हैं कि उस इलाके में कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई, आपको मालूम नहीं पड़ता आपका बच्चा कैसे है, बेअख्तियार आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप तड़फ जाते हैं। तो वो जो आपकी तड़फ है, रुपए में अगर 100 पैसा है, ऐसी तड़फ अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए 10-15 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं मालिक की दया मेहर दर्श दीदार के काबिल जरूर बन जाओगे। तड़फ तो बनाते नहीं, बातें करके ठगी मारी, कर्मों से ठगी मारी, 100 कमाया 5 मालिक को चढ़ा दिए। ये तो एक तरह से मालिक को साथी बना लिया। हे भगवान, मैं ठगी मारा करूंगा, 95 मेरे 5 तेरे, बोलना ना तू भी खुश मैं भी खुश। बताओ, मालिक को भागीदार बना लिया ठगी में, कहाँ से खुशियाँ आएंगी? तो इसलिए हकीकत में जीना सीखो। ये झूठ पाखंड के सपनों में उलझ के ना बैठ जाओ। आगे आया, हर एक श्वास में नाम ध्याले, राम शाहूकार को गिन गिन संभाले, बिना नाम जपे श्वास हराम। हर श्वास में नाम का सुमरण कैसे हो? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आती, लेटे लेटे जब तक नींद नहीं आती मालिक का नाम जपते रहो, सुमरण करते रहो। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी लेखा। दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू, और काम धंधा करते हो, हाथों पैरों से कर्म करते रहो, जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते हो, उन काम धंधों में भी बरकत, फायदा होगा और मालिक की याद भी बन जाएगी। तो सुमरण करना चाहिए, हर श्वास श्वास में सुमरण हो सकता है, संभव है। बिना नाम जपे श्वास हराम, कि नाम जिसमें नहीं जपते वो श्वास हराम हो जाता है, इसलिए नाम जपो। नाम जपने में बेअंतहा खुशियां हैं। नशे छोड़ दो, नशे बर्बादी का घर हैं, शराब है, सारे धर्मों में इसे मना किया गया है, शराब ना पियो। शर प्लस आप, इस्लाम धर्म में कहते हैं, शर कहते हैं शरारत शैतान को, आप कहते हैं पानी को, कि अल्लाह की इबादत करने वालों शराब शैतान का पानी पीना मत, वरना की गई इबादत को खाक में मिलाएगा, दोजक में जलाएगा। सिख धर्म में भी सारे नशे मना है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये जितने भी दुनियावी नशे हैं, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतरता गंदगी भरे हैं। नशा करना तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान में नहीं उतरेगा। हिंदू धर्म में लिखा है कि शराब समुद्र मंथन से पैदा हुई, पीने वाले राक्षस, जो इसे पिएगा राक्षस प्रवृत्ति बना देगी, इसलिए आदमी को नहीं पीना। और नशे ना करो, बर्बादी का घर है। फिर मांस अंडा है, मांस अंडा भी बर्बाद करता है, क्योंकि आदमी बेरहम हो जाता है, दया रहमत और दया रहम की भावना खत्म होती है। तो दया रहमत करने वाला की रहमत को कैसे हासिल करोगे जब दया रहम ही अंदर नहीं है? इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। विज्ञान कहती है हम शाकाहारी, हमारे हाथ, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारी आंतड़ी, हमारी पाचन क्रिया सब शाकाहारी है। धर्म कहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस मचुरिया खात है सुरापान के हित, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। कि जो मांस अंडा ये बुरी चीज खाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, सारे सुख शांति उनके पास है। जैसे गाजर मूली का खेत में से गाजर मूली निकालो तो पीछे क्या रहता है? जड़ से निकल जाता है। उसी तरह उनका बुरा हाल होता है, सुख शांति परमानंद उनके जड़ से निकल जाता है। तो इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमरण करना चाहिए, भक्ति इबादत करनी चाहिए। एक एक श्वास राम शाहूकार अल्लाह मालिक को सौंपना चाहिए, ताकि दोनों जहाँ की खुशियों के हकदार आप यहीं मृत्यु लोक में बन सको। नाम प्याला जो बंदा पिए, सदा सुख माने खुशियों से जिए, मस्ती उतरे न ऐसा प्रेम जाम। नाम का प्याला मस्ती देने वाला है, और पीते हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। आपके पाप कर्म, आपके भयानक रोग, आपकी परेशानियों का मुकम्मल हल है प्रभु का नाम। जब सुख शांति हो घर में, परिवार में, शरीर में, सुमरण करते रहो, ताकि वो सुख शांति हमेशा बरकरार रहे। परेशानियों को उड़ीको मत, दुख तकलीफ को उड़ीको मत कि वो आएंगी तो सुमरण करेंगे, नहीं, लगातार सुमरण करते रहो, ताकि दुख तकलीफ आए ही ना, सुख शांति हमेशा कायम रहे। तो नाम के प्याले में तमाम खुशियां हैं, और प्यार मोहब्बत की मस्ती कभी नहीं उतरती। जो प्रभु राम नाम वाली एक बार चढ़ जाए, दोनों जहान में आदमी को मस्तो मस्त रखती है, अंदर सुरूर रहता है और चेहरे पे नूर रहता है।